हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की स्टूडियोज में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स एफकैट 01/2023 रिक्रूटमेंट टेस्ट के रिगार्डिंग। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका आ चुका है, तो चलिए जानते हैं यह बैच कौन सा था। तो यह बैच 01/2023 का बैच था जिसके रिगार्डिंग आपका एडमिट कार्ड आया है। तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वो किस बैच के रिगार्डिंग एडमिशन दे रहे हैं और किस बैच के रिगार्डिंग उन्होंने फॉर्म भरा था। तो 01/2023 के रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है उनके एडमिट कार्ड आए हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर पोस्ट में जो नंबर ऑफ वैकेंसी थे वह कितने वैकेंसी के लिए इसको निकाला गया था इस पोस्ट को। तो यहाँ पर जो सभी ब्रांचेस के देख सकते हैं अलग अलग वैकेंसी, जैसे एफकैट में टोटल 10 थे आपके, फिर एफकैट जनरल ड्यूटी में 97, फिर एफकैट जनरल ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 48, 21, 13 और सभी इस प्रकार से अलग अलग टोटल वैकेंसी यहाँ पे थे। तो चलिए जानते हैं कि इसके एडमिट कार्ड को हम डाउनलोड कैसे करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट नोटिफिकेशन में, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक हेयर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा एफकैट का जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे खुलकर सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ एफकैट का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ चुका है। यहाँ पे साइन इन के बारे में लिखा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी हम यहाँ पे कहाँ पे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे साइन इन का जैसे ही लिखा जाएगा, आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ईमेल आईडी पे क्लिक करना पड़ेगा। जो भी आपकी ईमेल आईडी है यहाँ पे पुट कीजिए, जो भी आपके पासवर्ड है उसको यहाँ पे डालिए, जो यहाँ पे कैप्चा है उसको डालिए। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, जो कैप्चा होंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से डालना होगा। जैसे कि यहाँ पे स्मॉल केस में लिखा गया है तो आपको स्मॉल डालना होगा, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल डालना होगा। जैसे यहाँ पे स्मॉल डी लिखा हुआ है तो स्मॉल डी लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर कैपिटल डी लिखा है तो कैपिटल डी, फिर एट और फिर एस। इतने लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जो हमारा लॉगिन बटन है यहाँ पे देख सकते हैं, लॉगिन बटन पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और लॉगिन कर देंगे। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स बताना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देना चाहेंगे इसके रिगार्डिंग, आपके ऑफिशियल मॉक टेस्ट आ चुके हैं तो आप एक बार मॉक टेस्ट भी जाकर देखिए, दीजिए जाकर और देखिए अपने आपके प्रिपरेशन लेवल कहाँ तक जा चुके हैं। यदि आपने आपको पासवर्ड यदि आपको अपना याद नहीं है, यदि आपने अपना पासवर्ड को भूल गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता दिखेगा फॉरगॉट पासवर्ड, आपको क्या करना है इस फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, आपका एक यहाँ पे फाइल या फिर कह सकते हैं आपको यहाँ पे एक सामने खुलकर इंटरफेस नजर आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आपको बताना चाहेंगे कि कैसे हम अपने पासवर्ड को फॉरगेट करेंगे। तो उसके लिए आपको जो भी ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरते समय दिया था उस ईमेल आईडी को डालना है, जो भी आपका रजिस्टर नंबर था वो आपको डालना है, यानी जो जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया था वो नंबर तो आपको पता ही होगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है दो ऑप्शन, ओटीपी ऑन ईमेल और ओटीपी ऑन एसएमएस। आप किसी भी पे भी ओटीपी मंगवा सकते हैं, यदि आप अपने ईमेल पे, यदि आपने एसएमएस पे किसी पे भी ओटीपी मंगवाइए। और जैसे ही आप अपने ओटीपी को मंगवाइएगा और यहाँ पे ओटीपी को क्लिक कीजिएगा, जैसे ही ओटीपी यहाँ पे भरिएगा और यहाँ पे कैप्चा को डालिएगा, ओटीपी डालिए, जो भी जिस पे भी आपका ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के ओटीपी वेरीफाई कीजिए, कैप्चा यहाँ पे फुल कीजिए और कैप्चा फुल फिल करने के बाद यहाँ पे क्या होगा आपका सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, या फिर आप जब रीसेट करने का मतलब जो आपका नहीं होगा तब रीसेट पे क्लिक कीजिएगा। जब आपके सारे चीज़ यहाँ पे भर देंगे तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो क्या होगा आपके पास नया पासवर्ड और ईमेल आईडी आपके साइट पर, यानी आपके जो ईमेल आईडी होंगे उस पे आपके मैसेज पे किसी भी माध्यम के थ्रू आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा नया पासवर्ड। आपको जाना है फिर उसी पासवर्ड को अपने लॉगिन हियर पे क्लिक करके जो आपका पासवर्ड आया है नया वाला और जो ईमेल आईडी आपके पास पहले से है उसको क्या करना है डालना है यहाँ पे और क्या करना है लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है। फिर भी फॉरगेट पासवर्ड करने में आपको प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, आपके जवाब का हम जो आपके कमेंट होंगे उनका जवाब हम जरूर देंगे। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।